एवरीवन वेलकम टू वाओ साइंस। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जितनी भी आयनिक स्पीसीज है, जैसे O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, जितने भी हमारी आयनिक स्पीसीज है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, उनके एनर्जी लेवल डायग्राम काफी इजीली कैसे ड्रॉ कर सकते हो इस ट्रिक से। तो मैंने पहले भी एक एनर्जी लेवल डायग्राम्स पे वीडियो बनाई हुई है डायटोमिक के एनर्जी लेवल डायग्राम्स पे, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आई टैब पर क्लिक करके आप वहां से देख सकते हो। तो पहले आप वो वीडियो देखो, तभी आपको ये इस वीडियो में काफी हद तक समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, मैंने पहले भी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा कौन सा रूल फॉलो करता है, 12-21। ओके, ये 12-21 रूल फॉलो करता है। अब ये 12-21 रूल है क्या वो बता देता हूं मैं। जैसे मैंने पहले ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है, मैंने इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया अभी। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन का हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब 12-21 है क्या वो देखो। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया, फिर 2 है तो फिर मैंने 2 ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए, फिर 2 है तो फिर 2 ऑर्बिटल ड्रॉ किए, फिर 1 है तो 1 ऑर्बिटल ड्रॉ किया। ये ट्रिक है, सिर्फ ये ट्रिक याद कर लो, आपका जो पी ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो आप हमेशा याद रख सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। मैंने अदर एटम्स की, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कितने जो भी जितने भी हमारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करने में काफी डिफिकल्टी आती, तो मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है जिससे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो पहले हम O2 नेगेटिव आयन जो हमारी स्पीसीज है उसके लिए इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ओके, तो वैसे भी ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 1s2, 2s2, 2p4। ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मतलब दो ऑक्सीजन है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी हमारे पास, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ O2 = क्या होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में भी डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट्स को, मैं वो भी एक ट्रिक बता देता हूँ कैसे लिखनी है। जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट काम करना आपने एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद एंड में आपने जब इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे लेवल्स में तो उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है उस मॉलिक्यूल की जो आपको दिया होगा। तो यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो मैंने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया एनर्जी लेवल डायग्राम O2 मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो हमारे सेंटर पे है बॉन्डिंग वाले और एंटी बॉन्डिंग वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उसको हमने यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में। तो सबसे पहले हमारा क्या है, वो क्या हमारा σ2s, यहाँ पे स्टार नहीं है तो मतलब ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और जो स्टार वाला होता है वो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। पे फर्स्ट हमारे पास ऑर्बिटल क्या है, σ2s, तो यहाँ पे σ2s लिख दिया हमने। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास है σ2s, फिर उसके बाद σ2pz, फिर उसके बाद π2px, फिर उसके बाद π2py, फिर उसके बाद π*2px, π*2py, एंड एंड में क्या आ गया, σ*2pz। हमेशा याद रखना है कि जब सिंगल हमारे पास ऑर्बिटल होगा तो यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो हमने क्या लिखना है, सिग्मा, अगर डबल होगा तो हमेशा पाई लिखना है, और ऊपर वाले क्या होते हैं, स्टार वाले होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, बिना स्टार वाले मतलब बॉन्डिंग वाले होते हैं, और ऊपर क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं स्टार वाले। हम करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s में कितने हैं हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2p में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे हमने 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है हमारे पास और दो ऑक्सीजन के 2s में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे जब ये दोनों कंबाइन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो हमारे पास क्या बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हो गए बॉन्डिंग वाले और एंटी बॉन्डिंग वाले। तो टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 4, 2+2, 4। तो यहाँ पे 4 फिल करने हैं, तो 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे फिल करते हैं 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे भी 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे फिल करते हैं, 1 ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये हमारे पास है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम फर्स्ट बात करते हैं O2 नेगेटिव की, आयन की। तो यहाँ पे O2 नेगेटिव कैसे बनता है, जैसे O2 था हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल,
उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या बन गया, O2 नेगेटिव। अब इसने क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो O2 नेगेटिव बन गया, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड अप हुआ है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है पी ऑर्बिटल में, क्योंकि लास्ट शेल में ही हमेशा ऐड होता है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वहां वो हमने ऐड करना है यहां पे। तो टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी में, 5 इस तरफ में, ओके। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, 9, 4 + 5 = 9। तो यहां पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहां इस ऑर्बिटल में जाएगा, ओके। तो ये हमारा है O2 नेगेटिव आयन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। तो अब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम O2 नेगेटिव आयन के लिए। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, Nb - Na/2, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। एंटी बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं, स्टार वाले, और बिना स्टार वाले क्या होते हैं, बॉन्डिंग वाले। तो यहां पे बिना स्टार वाला ये है हमारे पास, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, फिर 2 4 हो गया, 5 6 7 8। तो हमारे पास 8 बॉन्डिंग वाले हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए स्टार वाले, 2 और 2 4 और ये 3, कितने हो गए 5 डिवाइडेड बाय 2, डेट इज 3/2। तो हमारे पास डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 1.5। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं आयन की बात, O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव कैसे बना होगा, कि जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया होगा, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो गया होगा उसके पी ऑर्बिटल से, तो हमारे पास क्या बन जाएगी स्पीसीज, O2 पॉजिटिव, ठीक है। ये O2 पॉजिटिव बन जाएगी हमारे पास, तो वन इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो यहां O2 नेगेटिव कैसे बना था, कि पी ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के किसी भी पी ऑर्बिटल में एडअप किया था। तो O2 पॉजिटिव के केस में क्या होगा, कि तो किसी भी 2p ऑर्बिटल में ऑक्सीजन के वन इलेक्ट्रॉन लॉस कर देना। तो यहां पे तो O2 पॉजिटिव के आयन के केस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। पहले हमारे पास पी में क्या था, 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब हमारे पास क्या रह गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो यहां पे टोटल कितने हो गए हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ओके। इसको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा O2 नेगेटिव के लिए था। तो यहां पे हमारे पास टोटल कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 4 + 3। तो यहां पे ड्रॉ करोगे तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, O2 पॉजिटिव आयन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, फिर वही फॉर्मूला Nb - Na/2। तो यहां पे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6 8, तो 8 तो है ही है। एंटी बॉन्डिंग में 2 और ये 1, 3 हो गया, तो 8 - 3 = 5। तो यहां पे आ जाएगा 2.5, तो 5 / 2 = 2.5 हमारा क्या आ जाएगा, O2 पॉजिटिव आयन के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आयन है O2 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, ओके। जैसे यहां पे था कि O2 नेगेटिव कैसे बना था, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था। तो जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, O2 2 नेगेटिव आयन, ओके। तो जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे ऐड अप होंगे, पी ऑर्बिटल में। तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2p में, यहां पे कितने हैं 4, यहां पे कितने हो गए 6, 4 + 6 कितने हो गए 10। तो यहां पे 10 फिल करते हैं, यहां पे कितने हो गए 2 4 6 7 8 9 & 10। तो ये हमारा O2 2 नेगेटिव आयन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो वही Nb - Na/2। तो यहां पे बॉन्डिंग में तो उतने ही रहेंगे 8, एंटी बॉन्डिंग में कितने हमारे पास 2 4 & 6, टोटल हमारे पास कितने हो गए 6 हो गए, 8 - 6 कितना हो गया 2, और 2 / 2 डेट इज हमारे पास 1 आंसर आएगा। मतलब O2 2 नेगेटिव के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की आयनिक स्पीसीज की, तो जो बॉन्ड ऑर्डर O2 के लिए था सिंपल, वो क्या था 2 ही आता है, ओके। O2 2 नेगेटिवली, O2 2 नेगेटिव के लिए क्या आया, 1 आया हमारे पास। O2 पॉजिटिव के लिए क्या आया हमारे पास, 2.5, एंड O2 नेगेटिव के लिए क्या आया, 1.5। देयरफोर जो स्ट्रेंथ है ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो किस में ज्यादा हुई हमारे पास, O2 पॉजिटिव की, क्योंकि इसकी क्या है हमारे पास वैल्यू 2.5, ग्रेटर देन O2, फिर ग्रेटर देन O2 नेगेटिव, एंड लास्ट में क्या आएगा, O2 2 नेगेटिव। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इस वीडियो को काफी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।